घुटने में कट-कट की आवाज़ क्यों आती है, आज हम ये जानेंगे। मेरा नाम डॉक्टर दक्ष शर्मा है, मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ विर्क हॉस्पिटल करनाल में। आज करनाल प्लस के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन या क्वेरी मेरे पास पेशेंट्स लेके आते हैं। हर एज ग्रुप के पेशेंट आके बोलते हैं कि घुटने में कट-कट की आवाज़ आती है, तो आज हम समझेंगे कट-कट की आवाज़ क्यों आती है। पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक यंगर एज ग्रुप से, जो कि 25 ईयर्स 30 ईयर्स यंग एथलेटिक मेल्स या फीमेल्स हैं, उनके घुटने में आवाज़ कट-कट की क्यों आती है। 90% ऑफ द साउंड्स जो नी में आते हैं वो फिजियोलॉजिकल साउंड्स होते हैं, यानी कि वो शरीर में कुछ टेंडन्स या लिगामेंट्स इधर उधर हो रहे हैं या कि एक बोन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही है, तो उसकी वजह से हल्की आवाज़ आती है, उसको हम फिजियोलॉजिकल साउंड्स बोलते हैं। और 90% फिजियोलॉजिकल साउंड्स पेनलेस होते हैं। यदि आपके घुटने में कट-कट की आवाज़ आ रही है उठने में बैठने में या किसी पर्टिकुलर पोजीशन में, पर आपको उससे रिलेटेड दर्द नहीं है, तो वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं और उसको किसी भी तरह के इलाज की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक पॉइंट। उसके बाद यंग पेशेंट्स, जिसमें जो प्लेयर्स हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं, उसमें क्या होता है कि कई बार लिगामेंट इंजरी हो जाती है या मेनिस्कस टियर हो जाता है, जिसको कहते हैं कि छल्ला फट गया या फिर लिगामेंट टियर हो गए, तो उसको फटने के कारण क्या होता है कि जो बोन है आपस में रगड़ खाने लगती है। जब भी कोई रनिंग करते हैं या कोई और काम करते हैं, रगड़ खाने लगती है, तो उसकी वजह से कट-कट की आवाज़ आती है। यदि वैसा इशू है कि आपको इंजरी हुई है और उसके बाद कट-कट की आवाज़ आनी शुरू हुई है, तो आपको डेफिनेटली एक नी की एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, और हो सकता है एक MRI करानी पड़े, जिसमें प्रूफ होगा कि किस तरह की इंजरी है आपको। उसके बाद आते हैं ओल्डर एज ग्रुप में। ओल्डर एज ग्रुप में एडल्ट लोग जिनको घुटनों में दर्द रहता है, पर अब वो जब बैठ के घुटना मोड़ते हैं या उठते हैं बैठते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो उनको ऐसा कट-कट और घिसावट जैसी आवाज़ आती है, ऐसे लगता है कि जैसे घुटने में कुछ घिस रहा है। तो उसका मेन कारण क्या है कि जब भी नॉर्मल नी होता है उसके अंदर एक गद्दी होती है जो दो हड्डियों को आपस में लड़ने से रोकती है। जब भी नी मूव करता है तो दो बोन्स आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आती है, पर जब पेशेंट को आर्थराइटिस हो जाएगा, तो आर्थराइटिस होने पे क्या होता है कि जो बीच की गद्दी है वो चली जाती है, वहाँ से गायब हो जाती है। जब गायब होने के कारण क्या होगा, पेशेंट जब भी उठ रहा है बैठ रहा है तो उसके दोनों हड्डियाँ आपस में एक दूसरे के ऊपर रगड़ मार रही हैं। जब वो रगड़ मार रही है तो उसके कारण पेशेंट को कट-कट की आवाज़ आती है। और पेशेंट की जो डेली बेसिस की कंप्लेंट रहती है, वो एक सिंगल पर्टिकुलर कंप्लेंट है किसी भी एडल्ट एज ग्रुप में जिसको नी प्रॉब्लम है, कि वो कहते हैं कि जब हम उठते बैठते हैं तो हमें दर्द महसूस होता है, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तब दर्द महसूस होता है, और चौंकड़ी तो हम मार के बैठ ही नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि पेशेंट के नी में जो आर्थराइटिस है वो सेट इन हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एडल्ट एज ग्रुप के पेशेंट 50+ जिनको ये ऐसी कंप्लेंट है कि ये सारी चीज़ें हैं और कट-कट की आवाज़ आ रही है, उनको डेफिनेटली एक एक्सरे करवा के अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए, जिससे ये पता लग पाए कि यदि उनको आर्थराइटिस है तो कितने ग्रेड का है। यदि कम ग्रेड का है तो उसको मेडिकली मैनेज किया जा सकता है दवाइयों से या फिजियोथेरेपी से, और यदि ज़्यादा ग्रेड का है तो उसकी सर्जरी की अगर ज़रूरत हो वो अपनी सर्जरी टाइम से करवा ले और उसको डिले ना करें। तो ये कुछ आवाज़ें जो घुटने में कट-कट की वजह से आते हैं। यदि इन तीनों कैटेगरी में आप कहीं भी फॉल करते हैं तो अपना उसी प्रकार इलाज। और सर, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये घुटने में दर्द होगा सर्जरी करवाने से या बदलवाने से। नहीं, अब की सर्जरीज पेनलेस सर्जरीज हैं। हम पेशेंट की नी रिप्लेसमेंट अगर सर्जरी करते हैं तो सुबह करके 4 घंटे बाद तो उसको बिना दर्द के अपने पैरों पर वैसे ही चलवा देते हैं, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। 2 दिन के बाद पेशेंट चल के अपने घर जा सकते हैं। एंड में मैसेज लोगों को नी पेन से रिलेटेड ये देना चाहूँगा कि घर बैठ के ये मत सोचें कि नी पेन अपने आप ठीक हो जाएगा। यदि आपको नी पेन है तो उसका टाइम से इलाज कराएं। आजकल बेस्ट टेक्निक्स अवेलेबल हैं, तो अगर आपको नी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर एक बार जाएं, अपने डॉक्टर को दिखाएं, उसका इलाज कराएं और बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं।